नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो कि अपने बच्चों को बेहद ही अजीबोगरीब तरीके से जन्म देते हैं। इनमें से कुछ के तरीके तो इतने हैरान कर देने वाले हैं कि जिन्हें देख करके आप लोग डर भी सकते हैं। तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, चिचलीट। दोस्तों, अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मछली अपने आप में काफ़ी खास और अनोखी मानी जाती है, क्योंकि यह अपने अंडों को कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने मुंह में रखती है। यहां तक कि जब इसे ऐसा लगता है कि कोई शिकारी इसके अंडों या इसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तब यह अपने अंडों से बाहर आए हुए बच्चों को भी अपने मुँह में रख करके बहुत तेज़ी से वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ऐसा करके यह अपने अंडे और अपने बच्चों की रक्षा करती है। नंबर दो, सूरीनेम सी। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला ये मेंढक अपने आप में बेहद ही अजीबोगरीब और चपटा दिखता है। दोस्तों, ये मेंढक दूसरे मेंढकों से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसके हाथ पैरों पर झिल्लियाँ नहीं होती। इसके हाथ पैर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि ये रेत को हटाने और खड्डा खोदने में बहुत काम आते हैं। दोस्तों, ये मेंढक बेहद ही विचित्र होता है, क्योंकि ये अपने अंडों को अपनी पीठ पर रखता है, जो कि धीरे धीरे इसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। और जब ये अंडे फूटते हैं तो इसमें से बच्चे इसकी स्किन को चीरते हुए बाहर आते हैं, जो कि देखने में काफी खतरनाक और डरावना लगता है। नंबर तीन, सी अर्चिन। दोस्तों, पानी में रहने वाला ये जीव दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये लोग अपने ब्रीडिंग सीजन में लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा अंडे देते हैं, और इनके अंडे पानी में हर जगह तैर रहे होते हैं, जिन्हें दूसरे जीव बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अंडे भी होते हैं जो कि सुरक्षित जगह ढूंढने में कामयाब रहते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। नंबर चार, सेंटीपीड। दोस्तों, बेहद ही अजीब और विचित्र से दिखने वाले इस कीड़े की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, और ये अपने अंडों को अपने पैरों में छुपा करके रखती हैं। दोस्तों, इनके अंडों से जब सफ़ेद लार्वा बाहर निकलता है, तब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इन्हें देख करके कोई भी इंसान काफ़ी विचलित हो सकता है। नंबर पाँच, सी हॉर्स। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि इंसानों से लेकर के जानवरों तक में बच्चों को जन्म देने का काम मादाएं करती हैं, लेकिन सी हॉर्स में ऐसा नहीं है। सी हॉर्स के पास एक थैली होती है जिसमें फीमेल सी हॉर्स अंडे छोड़ देती है, और मेल सी हॉर्स इन अंडों को 54 दिन तक संभाल करके रखता है, जिसके बाद इन अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं, जिसे सी हॉर्स बाहर छोड़ देता है।